फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आई हूँ दोबारा अपनी मामा लोगों के घर पे, क्योंकि मेरी जो सिस्टर आई हुई है वो कहती है कि मैंने चावल खाने आपके हाथ के, तो मैं उसको कहती कि हमारे घर पे ही आ जाओ, तो वो कहती नहीं मैंने वहाँ पर नहीं आना अभी। तो अभी कटिंग वटिंग हो रही है, तो अभी जब हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो मैंने सोचा चले वैसे भी बैठी हुई, चलो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर लूँ। तो अभी मैंने मुँह हाथ वगैरह धोया, क्योंकि घर सिर्फ थोड़ा सा हमारा मतलब घर इतना दूर नहीं है मम्मा से, तो फिर मैं ऐसे ही आ गई थी, तो अभी मैंने मुंह वगैरह धोया है। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में, तो फिर मिलते हैं। और इधर खुशी सो रही है सोफे के ऊपर, तो मैं ये दरवाज़ा नहीं खोल रही। फिर खुशी फिर उठ जाती और फिर वो मुझे कोई काम नहीं करने देती। तो फिर मैं मोबाइल रखती हूँ यहाँ पर और मैं फिर कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। और मैं आपको पहले बैकग्राउंड दिखाती हूँ। तो ये है, ये देखें उधर भी सारी बिल्डिंग्स तैयार हो रही हैं और ये जो बन गई है और मम्मा लोग का सबसे ऊपर घर है। फ्रेंड्स, आलू वगैरह तो कटिंग कर दी है मेरी छोटी सिस्टर ने, सो आज मैंने बोला किचन में जाती हूँ कटिंग करूँगी, छोटे सब बैठे हैं। आइस में जाते हैं कड़वे प्याज, और आज इतनी तेज़ तूफानी हवा चल रही है, आपको आवाज़ आती होगी। क्लासेस हैं ड्यूटी पर, राइस बहुत पसंद है, उसका बेटा बहुत ज़्यादा तंग करता है इसलिए वो वहाँ पर नहीं आई। और दूसरा उनका ऑपरेशन हुआ है, तो मम्मा का चौथी मंजिल पे घर है, बारिश भी होने लग गई, चौथी मंजिल पे घर है तो इसलिए वो हमारे घर आ नहीं सकती, वो उनका ऑपरेट हुआ है, तो इसलिए मैं आई हूँ यहाँ पर। कि हमारा घर बिल्कुल आस पास ही मम्मा से, और आज बहुत तूफानी हवा चल रही है। रात तो हमारी लाइट ही नहीं थी, 4 बजे हमारी लाइट आई है। तो फ्रेंड, मेरी सिस्टर आ गई थी तो कहती वीडियो बंद करो, क्योंकि वो शर्माती है वीडियो के सामने आने से, और बहुत काले बादल हो गए। मैं आपको गैलरी में जाके दिखाती हूँ। आई थिंक आज फिर तूफानी बारिश होगी। ड्राइवर आराम से बैठ जाओ, बारिश हो रही है, कपड़े उतार लो, शॉर्ट पहन लो, तो नीचे नहीं जाना, गैलरी में नहाना। टाइम कह रहा मम्मा मैं नहाना, बारिश होने लग गई है बहुत तेज। नहीं नीचे नहीं जाना, डाटा डांटेगा, ऊपर ही रहा, कपड़े पहने रखो, भी वैसे भी ट्यूशन पे टाइम है। सबसे पहले मैं गैलरी में जाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। बारिश का बोरी हवा ही चल रही है, तो ये देखे हवा तेज चल रही है। और वो सामने हमारा चर्च बन रहा है। चले अभी तो बारिश नहीं हो रही, दाई मैं ऐसे ही आप कह रहे हो, मैं कपड़े चेंज करने लगा, इतनी हल्की बारिश हो रही। तो चले अभी प्याज मेरे कट हो गए, तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ कुकिंग। तो मेरी सिस्टर छोटा बेटा मुझे बहुत ज़्यादा रोता है, ठंडा रोता है,
हेलो कर दो, हेलो हेलो ये मेरी बहन का बेटा बहुत अच्छा और बड़ा वाला तो सोबा इतना रोता मैं दाने को लेकर जाऊंगा फ्रेंड हमारे प्याज ब्राउन हो रहे और गाने 4 बजे ट्यूशन जाने और यासिर का तो पार्ट बन गया टेंशन खत्म हो गया बस मेरा का आगे आ जाए उसके बाद में जाऊँगी बाहर और आप लोग के साथ अच्छी अच्छी ब्लॉग शेयर करेंगे तुम प्यार कर रहे थे प्यार ब्राउन कर रहे थे मैंने अदरक का पेस्ट डाला है उसका पेस्ट हम करके रखते हैं मैंने भी बताया था वीडियो में टमाटर डालने रखी मतलब सारी कटिंग मटिंग मेरी सिस्टर ने करते थे फिर मैंने अनियन कट किया था बस मुझे कटिंग करना मुझे तो चाहिए दीदी मुझे लाशें कटिंग करके देते हैं और जब मेरी अम्मी मतलब सास हो सकते हैं मेरी सास मुझे कटिंग करके देती है फ्रेंड्स आलू में रख के आई उसमें पानी डाल के कि आलू थोड़े गल जाए उसको जब मैं आई हूँ रूम में गैलरी में सब खड़े हैं यासिर भी यार अभी मैंने देखा था वो दे यासिर खड़ा हुआ यार और फ्रेंड रोज आपसे खड़े हैं पर नज़र नहीं आया मेरे से काफ़ी दूर है हमारे चावल बन रहे हैं और मेरी हालत देखी क्या हो रही है और आप लोगों को जैसे कि मैंने बताया था कि हम सारे बहन भाई जब मतलब एक दूसरे से मिले तो खाना वाना हम एक परात में खाते हैं बड़ी परात में हम लोग चावल जब बनाए तो उसमें डाल के हम सारे खाते हैं तो चावल हो गया मेरे डैडी अभी मैं आपको दिखाती हूँ तो अभी ये खा कर यासिर आ गया मुझे कॉल कर रहे थे और मौसम काफ़ी ज़बरदस्त हुआ है तो अभी मैं घर जाऊँगी और मैं आपको भी घर जाऊँगी फ्रेंड्स ये देखें आलू वाले राइस हैं ये हो गए हैं रेडी तो अभी मैं परात में डालूँगी और हम जाकर खाएँगे जी जिसने खानी है आकर खा ले फ्रेंड्स ये देखिए मैं जा रही हूँ घर क्योंकि यासिर कॉल कर रही थी तो मैंने फटाफट खाना खा लिया और अब मैं नहीं जा रही दाई को देखें कितनी जल्दी और बारिश हो रही है हल्की हल्की
भी आ गए हैं हम अपने गली में। आ गई हूँ घर पर, तो अभी गई हूँ दाइम को ट्यूशन। फ्रेंड्स मैं घर पर आ गई हूँ और यासिर गए हैं दाइम को ट्यूशन छोड़ने, तो मैं अभी लगी थी सोने क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही हो रही, पता नहीं क्यों क्या मसला है क्या नहीं है। मेरी आईज़ भी आप देख सकते हैं, तो मुझे यासिर कह रहे थे कि आप दोबारा एडमिट हो जाओ, और बच्चों की वजह से मैं एडमिट नहीं होती क्योंकि बच्चों का मसला होता है, दाम तो बिल्कुल नहीं रहता मेरे बगैर, चले खुशी तो रह जाती अपने नाना लोग के पास, पर मेरे से नहीं रह जाता दाम लोगों के बच्चे लोग के बगैर। तो आज मैं जाऊंगी फिर दोबारा हॉस्पिटल, डॉक्टर को बताऊंगी कि भाई मैं ठीक नहीं हो रही, और ये देखिए मेरा हाथ भी जल गया, खाना उधर बना रही थी मम्मा लोग के घर तो रेड हो गया था। तो यासिर गए हैं दाम को ट्यूशन छोड़ने, और बस आप लोग सब मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखें कि बस जो मेरी वीकनेस है कि मेरे सर की दर्द नहीं जा रही और सांस बहुत फूलती है, और आज मैंने इसलिए काम भी नहीं किया था। फिर मेरी सिस्टर आई थी छोटी वाली, वो मेरे साथ काम वाम करवा के गई थी, और सुबह ब्रेकफास्ट यासिर ने बनाया था क्योंकि सुबह दाइम ने स्कूल जाना था। टाइम रेडी, सब कुछ रेडी हुआ, उसका लंच वंच रेडी हुआ, तो बाद में पता चला छुट्टी है क्योंकि मैंने रात को मैसेज नहीं देखा था, उसकी टीचर ने मैसेज किया हुआ था, तो मैंने सुबह मैसेज देखा, वो भी जब मैंने मोबाइल पकड़ा, यासिर ड्यूटी पे चले गए थे, वहाँ से यासिर ने कॉल की थी कि आप ना पापा के साथ चले जाना हॉस्पिटल, पर मैं नहीं गई। तो वह मैंने देखा, फिर टाइम की भी नींद ख़राब हो गई थी सुबह क्योंकि 6:30 बजे टाइम को उठाया था, टाइम लग जाता है फिर खाना खाता है रेडी होता है फ्रेश होता है, और टाइम क्या जाता है रोज़ नहाना, तो नहाए बगैर तो वो कोई कपड़े नहीं पहनता सुबह, तो फिर मैं कहती हूँ ज़्यादा टाइम ना हो जाए, उसकी वजह से इसको 6:30 बजे उठाना होता है। और फिर उसको मैं कहती कि आप टाइम आप सो जाओ, पर टाइम सो नहीं, मैं तो सो गई थी, फिर मैं उठी हूँ 10:30 बजे जब मेरी सास आती है ब्रेक करने, क्योंकि मेरी सास भी यहाँ पर जॉब करती है तो वो 10 बजे ब्रेक करने आती है। तो बस आज का व्लॉग मेरा ये छोटा सा था, तो मैंने सोचा चले मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर कर लूँ, तो आप प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरे व्यूज़ कम हो गए हैं, आप लोग की मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और बहुत जल्द मैंने जाना है पिटी लोगों के घर, सोनिया गोपाल के घर, उनसे मिलने, तो आप लोग के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि मैं उनके किसी फंक्शन में नहीं गई, कुछ प्रॉब्लम्स थी यहाँ से जाने नहीं देते थे, और उनके घर में चोरी भी हुई थी, बस अभी मैं बहुत जल्द उनके घर पर जाऊंगी और भाभी से मिलूंगी, भाई लोगों से मिलूंगी, महवेश से मिलकर आऊंगी, पोमी से मिलकर आऊंगी। तो बस आज की वीडियो मेरी यहीं तक है, और आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। तो आज की वीडियो यहीं तक है, इसी वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और ये यासिर भी आ गए हैं छोड़कर, हेलो तो करो, तो टाइम को छोड़ कर आए तो बोलो। कुछ भी नहीं, थका हूँ, क्या बोलो। टाइम ट्यूशन जाते हैं तो टाइम मतलब बहुत ऊपर है, 3rd फ्लोर पर है, ट्यूशन तो छोड़ कर आते हैं तो थक जाते हैं। तो बस आज की वीडियो हमारी यहीं तक है, इसी वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।